वेलकम बैक गाइज टू कर्सर रन। ये है आपका टेक्नोलॉजी चैनल। यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की, जिसमें हम फ्रेशर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को सिखाना चाहते हैं कि आपको अगर ERP पे कस्टमाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे, स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये फ्रेशर्स लेवल का कोर्स है आज का। सीरीज ऑफ कोर्सेज हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स एपिसोड्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसपे कि हम X++ प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अगर आप लोगों को ऑलरेडी आती है तो स्किप दिस एपिसोड्स। हम फ्यूचर में रिकॉर्ड करने वाले हैं C++, जावा, C# एज वेल। तो अगर आपके कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं, जो आप कॉलेज में, प्लीज शेयर दिस चैनल विद देम। ऑलराइट, लेट्स डू इट। तो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, आज हम इस पे करने वाले हैं आर्किटेक्चर, UI और विजुअल स्टूडियो की बात, कि कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं एक ERP सिस्टम को, स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में। ऑलराइट, ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक से आज, जिन पे हम बात कर रहे हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस की, डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की। अगर आप ये पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, ये एप्लीकेशन का नाम सुन रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। राइट, हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे वेरी हाई लेवल, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट क्योंकि हमें मुद्दे पे रहना है, मुद्दा ये है कि हमें कोडिंग सीखनी है, कोडिंग कैसे करेंगे, X++ क्या होता है। राइट, तो इसका UI कैसा दिखता है, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे आप टेबल्स बनाओगे, कैसे फॉर्म्स बनाओगे, कैसे क्लासेस, कैसे बिजनेस लॉजिक लिखोगे, विजुअल स्टूडियो कैसे यूज करेंगे इसको कस्टमाइज करने के लिए। राइट, सो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें बिजनेस एप्लीकेशन से। राइट, कि बिजनेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं। राइट, आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा, आप दिन रात मोबाइल चलाते हो, मोबाइल्स पे एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन वो होती हैं कंज्यूमर सेंट्रिक। राइट, हमारे लोगों के लिए, जिसपे हम यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। राइट, बट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना बिजनेस कैसे चलाती हैं, वो अपना बिजनेस ऐसे चलाती हैं, उनको हर काम करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होती है। जैसे कि फिनेंस डिपार्टमेंट है, राइट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसे क्या चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चाहिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली। राइट, टैली इंडिया में यूज़ करते हैं आप, अगर US में हैं, बाहर हैं, आप क्विक बुक्स यूज़ करते होंगे। वैसे अब टैली भी आजकल फुल ERP बन गया, लेकिन स्टिल, राइट, लेट्स से फिनेंस डिपार्टमेंट टैली यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, राइट, CRM सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग मैनी अदर सॉफ्टवेयर। राइट, बट प्रॉब्लम इज दे आर यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर ऑन देयर ऑन, दीज सॉफ्टवेयर माइट नॉट बी टॉकिंग, दे माइट बी ऑन लाइक ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम बात करेंगे बिजनेस एप्लीकेशंस में कैसे एंटरप्राइज लेवल पे उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कोड किया जा सकता है और उसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। हाई लेवल पे हम डिवाइड करेंगे बिजनेस एप्लीकेशंस को 2 पार्ट्स में, ERP सिस्टम्स एंड CRM सिस्टम्स। ERPs आर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। आपने SAP का नाम सुना होगा, जैसे SAP है, पीपल सॉफ्ट है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के पास भी एक बिजनेस सुविट है, बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, जिसको वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365, जिसके अंदर ERP सिस्टम है, CRM सिस्टम है और इंटीग्रेशन के हैं, लो कोड नो कोड सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें। राइट, बने रहिएगा, हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ERP एंड CRM की हम बात कर रहे थे, जैसे ERP सिस्टम हमने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। राइट, उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ के रखने वाला सॉफ्टवेयर होता है, बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का ERP सिस्टम, ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथ रहे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। राइट, डिसीजन मेकिंग आसान हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम यूज़ करते हैं ERP सिस्टम। और हम इस सीरीज में यूज करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन। ऐसे ही CRM सिस्टम होता है। CRM सिस्टम क्या होता है? CRM सिस्टम होता है जिसमें आप कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जैसे कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी आई है, कोई अपॉर्चुनिटी इज कि अभी आपका वो कस्टमर बना नहीं है, अपॉर्चुनिटी आप कॉल करके, उसको ईमेल्स भेज के, मार्केटिंग करके आप उसको भेजते हो, ईमेल भेजते हो, मार्केटिंग मटेरियल भेजते हो, ताकि वो आपका लीड जनरेट हो सके, लीड से आपका कस्टमर अकाउंट बन सके। राइट, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं CRM। CRM में भी आपने नाम सुना होगा सेल्स फोर्स का। राइट, बट हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 की। मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365, दिस इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस। राइट, आगे चलते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, ये है माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। लाइक
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ करके बना हुआ है, जिसको यूज़ करके आप फुल फ्लैश एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर सकते हो। अगर मैं कुछ नाम आपको हाई लेवल पर इसमें बताऊं, तो ये सारे कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, राइट। किसी एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को मिलाकर बने होते हैं, राइट। हम इसमें से लर्न कर रहे हैं सिर्फ, लेट मी सी इफ आई कैन पॉइंट इनेबल माई पॉइंटर। हम यूज़ कर रहे हैं, यस, सो हम यूज़ कर रहे हैं डायनेमिक्स 365। मोटो ऑफ दिस सेशन इज फ्रेशर्स को बताना कि बिजनेस एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, राइट, ताकि आप जॉब के लिए रेडी रह सकें, राइट। जब आपका कॉलेज खत्म होगा, आप बाहर होंगे कॉलेज से, आपको पता होना चाहिए एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं। हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 की। माइक्रोसॉफ्ट की और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि ऑफिस 365। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 कहते हैं, इसके अंदर होता है पावर, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, शेयर पॉइंट, दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन भी परचेज कर लिया कुछ ही सालों पहले। इसमें हम टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड काम करते हैं। फिर जो नेक्स्ट थ्री एप्लीकेशन आप देख रहे हो, फ्लो, पावर एप्स, पावर बीआई, ये इंटीग्रेशन के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यूज होती हैं। उसके नीचे आप जो देख रहे हो वो है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, अब हम इस कनेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम ईआरपी तो यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का, बट मे बी सीआरएम सिस्टम कस्टमर यूज़ कर रहा है सेल्सफोर्स का या जोहो का, राइट, आई थिंक जोहो, राइट। तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं थाउजेंड्स ऑफ प्री मेड, ऑलरेडी क्रिएटेड कनेक्टर्स, जिनको आप यूज़ करके इन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो, डेटा एक एप्लीकेशन में से दूसरी एप्लीकेशन में भेज सकते हो। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है कॉमन डेटा सर्विसेज, अब इसको बोलते हैं डेटावर्स। लेट मी सी अगेन, आ जा भाई, डेटावर्स, राइट, वी हम बात कर रहे हैं डेटावर्स की। आ जा, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, फॉरगेट इट, पेन नहीं चल रहा है। तो कॉमन डेटा सर्विस को आप बोलते हैं हम डेटावर्स, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट के एक बिग पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट है, राइट। इसमें क्या होता है, कॉमन डेटा मॉडल होता है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है, उसने, माइक्रोसॉफ्ट ने और माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स ने कुछ टेबल्स, जिनको हम एंटिटीज भी बोल सकते हैं, टेबल्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के, स्कीमस बना के दिया हुआ, जैसे अकाउंट्स का, कस्टमर का, वेंडर का, सेल्स ऑर्डर्स का, परचेज ऑर्डर्स का, इन सब का स्कीमा बना हुआ है, ताकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड में, चाहे डेटा कहीं से भी आ रहा है, डेटा सेल्सफोर्स में से आ रहा है, लेकिन उसका स्कीमा कैसा होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का होता है। कॉमन डेटा मॉडल मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कॉमन, इसका फायदा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट की सब एप्लीकेशन इस कॉमन डेटा सर्विस से या डेटावर्स से इंटीग्रेट होंगी, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स सब इस पर चलेगा, मशीन लर्निंग, सब कुछ इस पर चलेगा, राइट। तो फायदा क्या होता है, डेटा आपका सेंट्रलाइज लोकेशन पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रिपोर्टिंग को 10 जगह नहीं जाना, उसको केवल एक डेटाबेस में जाना है, राइट, हाई लेवल पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉमन डेटा मॉडल है, पोस्ट करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट आप पोस्ट करो, बार बार देखो इस वीडियो को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। हम बात कर रहे हैं, हमने अभी पीछे वाली स्क्रीन पे कहाँ गया भाई, इस पे हमने बात करी थी एप्लीकेशंस की, राइट। हमने बात करी थी कि माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है डायनेमिक्स 365, ऑफिस 365, ये सब चीजें। मेन पॉइंट है कॉमन डेटा सर्विस, डेटावर्स, कॉमन डेटा मॉडल, राइट। कॉमन डेटा मॉडल में क्या होता है, ये सारी एंटिटीज, सारी टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, बस आपको इंटीग्रेट करना है, इसको यूज करना है, राइट। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा और सेशंस में, अभी के लिए दिमाग में ये बिठा लो कि ये कॉमन डेटाबेस है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जहाँ पे आपकी सारी बिजनेस एप्लीकेशंस का, एनालिटिक्स का, आईओटी का, फील्ड सर्विस का, सबका डेटा इस एक जगह पे आ रहा है, और फिर यहाँ से आप उसको डेटा को यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, इंटीग्रेशन में, राइट। गाइस, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसका कारण यही है कि ये वीडियो में कंटेंट बहुत है, मेरे को जल्दी खत्म करना है। मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड किया था, ये एक घंटे से ऊपर का बना था, तो इसको मैं जल्दी 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 फिनिश करना चाहता हूँ, राइट। आप इसको बार बार सुनना, वॉक करते हुए, खाली बैठे हुए, जब भी आपका मन करे इसको बार बार सुन के इसको कॉन्सेप्ट्स याद कर लेना। कॉमन डेटा मॉडल, राइट। सो कॉमन डेटा मॉडल में मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के पास डायनेमिक्स 365 है बिजनेस एप्लीकेशन। पॉइंटर
राइट, माइक्रोसॉफ्ट के पास डायनेमिक्स 365, राइट, डायनेमिक्स 365 में भी CRM रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, राइट, और यस मेनली दीज थ्री थिंग्स दे कम अंडर CRM, जहाँ पे आप सेल्स क्रिएट करते हो, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, अकाउंट्स क्रिएट करते हो, ऑर्डर्स क्रिएट करते हो. उसके बाद आता है बैक एंड सिस्टम में होता है आप फिनेंस, आपको फिनेंशियल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए लेजर्स, जनरल लेजर्स बनाने के लिए, राइट, अकाउंटिंग करने के लिए आपको फिनेंस का मॉड्यूल होता है, सप्लाई चेन का मॉड्यूल होता है, कॉमर्स का, रिटेल का, ओमनी चैनल का. जब आप रिटेल ओमनी चैनल कहते हो, जब आप फॉर एग्जांपल आप रिलायंस रिटेल क्या कहते हैं उसे, रिलायंस रिटेल पे जाते हो या डीमार्ट में जाते हो, वहाँ पे टच स्क्रीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं उसको, POS कहते हैं. उन सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, बैक ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर्स की इनसाइट पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, राइट, हम यूज़ करते हैं कॉमन डेटा मॉडल, कॉमन डेटा सोर्स, कॉमन डेटाबेस. Applications might have their own databases, but at the end of the day, we want all that data to flow in one single database. Database is a terminology, it's a big concept, right? So ERP wali side pe hamare paas finance, supply chain, commerce and human resource, right? Aage chalte hain. Iski baat humne kar liya, Microsoft Dynamics 365. Kise bolte hain? CRM apps hain iske andar, ERP applications hain. In sab ke combination ko Microsoft bolte hain, Microsoft Dynamics 365. CRM साइड पे सेल्स, कस्टमर सर्विस, फील्ड सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स, नाम बताता है कि सेल्स से क्या, हम सेल्स में हेल्प कर रहे हैं, लीड्स में, अकाउंट्स में, ऑर्डर क्रिएशन में, राइट, कस्टमर सर्विस में, फील्ड सर्विस इज रिलेटेड टू IoT, राइट, आपका ऑर्डर जा रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, इंस्टेंट, राइट, इंस्टेंट आपको डेटा प्रोवाइड कराने के लिए IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, फील्ड सर्विसेज, मार्केटिंग. दिस ब्लो सेक्शन इज फॉर ERP सिस्टम्स. आपके पास है फिनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉमर्स, रिटेल एंड ह्यूमन रिसोर्स. हम इसको देखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ. दिस इज अ पार्ट ऑफ ERP सिस्टम. सो हमें क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 क्या है, एक ERP एंड CRM एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस का, बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस का सुइट है, प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज करके हम बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. इस पर्टिकुलर कोर्स में हम बात करने वाले हैं ERP सिस्टम की, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 फिनेंस एंड ऑपरेशंस की. ये है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, राइट गाइज, क्लाउड कंप्यूटिंग हम सब सुन रहे हैं, राइट, अभी आप कॉलेज से पास आउट हुए, लेकिन आपको पता होगा Azure, AWS क्या है, Azure वेब सर्विसेज, ये Amazon वेब सर्विस, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिक्स कर रहा हूँ चीज़ें, ओके, कम ऑन कम बैक, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये Amazon की तरफ से क्लाउड ऑफरिंग है, राइट, Google की तरफ से Google क्लाउड्स, Microsoft की तरफ से Microsoft Azure. बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ये केवल डिप्लॉय हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे, राइट. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वेरी क्विक मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है. कुछ नहीं होता, जैसे आपके पास पहले ऑफिस में सर्वर्स होते थे, उन सर्वर्स को यहाँ से उठा के हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में, उसको बोलते हैं डेटा सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में रख दिया, राइट. बड़े बड़े सर्वर्स हैं जिसपे वर्चुअल मशीन्स होती हैं. वर्चुअल मशीन्स मतलब आपकी फिजिकल मशीन ना होके वो सॉफ्टवेयर लेवल की मशीन्स होती हैं, जहाँ पे सारे सर्वर्स डिप्लॉय करे जाते हैं, उस पर आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और यूज़ करने का तरीका सेम रहता है. तो माइक्रोसॉफ्ट का ये ERP डिप्लॉय होता है माइक्रोसॉफ्ट Azure पे. सो ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है. व्हेन वी से क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस यू परचेज और कस्टमर परचेज इज अ क्लाउड बेस्ड वर्जन, बट ऑन प्रीमाइस वर्जन भी आता है जो आप अपने कंपनी के सर्वर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं. बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट देर इज अ ऑन प्रीमाइस वर्जन एज वेल. इट्स अ वेब सॉल्यूशन. द UI दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, दिस UI, दिस इज बेस्ड ऑन HTML एंड JS, राइट, JavaScript. आपको HTML और JavaScript आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स पे फ्रेमवर्क पे काम करता है, राइट. ऑलरेडी पैटर्नड है, ऑलरेडी फ्रेमवर्क डिफाइंड है. आपको फॉर्म बनाना है, UI बनाना है, कुछ क्लिक्स में आपका फॉर्म बन जाएगा. लुक एंड फील पूरी एप्लीकेशन की सेम रहेगी, राइट. अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, सारी एप्लीकेशन वैसी रहती है. बैकबोन क्या है इसकी, इसकी बैकबोन है .NET प्लेटफॉर्म. द होल एप्लीकेशन रन्स ऑन .NET, राइट, .NET फ्रेमवर्क पे, .NET प्लेटफॉर्म पे, राइट. IIS बेस्ड वेब एप्लीकेशन है, तो इसको एक वेब सर्वर चाहिए होता है. वेब सर्वर कौन सा चाहिए होता है, IIS चाहिए होता है, राइट. IIS पर होस्ट होती है. डेटाबेस क्या होता है, आपने UI तो बना लिया, राइट, HTML JS को यूज करके UI बना लिया, फॉर्म बना लिया, उसमें डेटा एंट्री हो रही है. डेटा कहाँ सेव होगा, डेटा सेव होगा किसी डेटाबेस में, राइट. जैसे डेटाबेस होते हैं, ओरेकल होता है, SQL सर्वर होता है, कैसेंड्रा होता है,
आपका MySQL होता है, राइट? बट माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सपोर्ट्स SQL डेटाबेस ओनली, एंड दैट टू Azure SQL डेटाबेस, बिकॉज इट्स अ क्लाउड सिस्टम, तो SQL सर्वर भी क्लाउड में रहता है. ओप्स, SQL सर्वर भी क्लाउड में रहता है. ओके, अब जो पूरी एप्लीकेशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट ERP, हम इसमें CRM की बात नहीं करेंगे. अब गोइंग ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के बाद हम बात करने वाले हैं सिर्फ ERP की. ERP को आप थ्री पार्ट्स में, पूरी एप्लीकेशन को लाइसेंस बेस्ड पे, आप दो बैकबोन इज सेम, द आर्किटेक्चर इज सेम. जब आपको विजुअल स्टूडियो में जाओगे आपको सारा कुछ दिखेगा, बट लाइसेंस वाइज, फॉर एग्जांपल मेरा, हमारी कंपनी का काम केवल फिनेंस से चल जाएगा, तो मैं केवल फिनेंस वाले पार्ट का, फिनेंस वाले मॉड्यूल का लाइसेंस ले सकता हूँ, राइट? 50 यूजर है मेरे पास, उन 50 यूजर का फिनेंस का लाइसेंस ले सकता हूँ इंप्लीमेंटेशन वन पे. बट मेरे को अब सॉफ्टवेयर अच्छा का, मेरा फिनेंस का काम हो रहा है, अब मेरे को सप्लाई चेन पे जाना है, तो मैं इसका सप्लाई चेन का एड ऑन ऐड कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स का ऐड कर सकता हूँ, कॉमर्स रिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर सकता हूँ, राइट? तो लाइसेंस बेस्ड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट? आप एक बार नहीं खरीदते हैं, आप इसको हर महीने, हर साल आपको माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है. ओके, क्लाउड आर्किटेक्चर, मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें से ऑलरेडी बता दी हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन और लाइसेंस बेस्ड है. यूजर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स आपका यूजर आईडी पासवर्ड कैसे डालोगे, क्या हम जीमेल का यूजर आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, क्या हम किसी और आइडेंटिटी का डाल सकते हैं? नहीं, केवल एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी काम करती है. एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जिसमें आप यूजर प्रोफाइल स्टोर करते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड, राइट? आपके लेट मी सी गाइस, आई थिंक मेरी शायद ये इमेज अटक रही हुई हो कि बीच में, वेट अ सेकेंड, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं था. ओके, लेट मी रियल क्विक, मेरे ख्याल से कुछ स्लाइड्स पे इमेज आ गई थी, तो मैं आपको, आप दोबारा पीछे से जाके देख लेना. ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर था, बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म था, कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी. अब मैंने अपनी वीडियो हटा दिया, ये हमारा कॉमन डेटा मॉडल था, नीचे जो भी हाइड हो गया था वो देख लेना. ये हमारा ओवरऑल एप्स हैं जो इस माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के अंदर आती हैं. आपका इसकी बात हम कर चुके हैं, हम बात कर रहे थे क्लाउड क्लाउड एप्लीकेशंस की, राइट? कर्सर कहाँ गया? या ओके, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, ताकि मैं भी दिखता रहूँ, मैं आपको दिखता रहूँ, आप मुझे देखते रहो, राइट? तो ये है उसका वेरी हाई लेवल क्लाउड, राइट? क्लाउड थिंग, ये आपकी ERP सिस्टम हो गया डिप्लॉयड ऑन Microsoft Azure. हमने अपने सर्वर पर इंस्टॉल ना करके Microsoft के वर्चुअल सर्वर पर इंस्टॉल करा हुआ है, वर्चुअल मशीन पे, VMs पे इंस्टॉल हुआ हुआ है, राइट? अब मैं बात कर रहा था Azure Active Directory की. इसमें हमारे यूजर प्रोफाइल सेव है, यूजर आईडी पासवर्ड. जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा, मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना होगा. ऑथेंटिकेट में मेरा यूजर आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, अगर वो ठीक होगा तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा. और हो सकता है आपके पास, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी में डोमेन कंट्रोलर या एक्टिव डायरेक्टरी है ऑन प्रीमाइस पर, राइट? अब उसको शायद शिफ्ट करना इतना आसान ना हो, आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपनी ऑन प्रीमाइस वाली डायरेक्टरी को, या और भी कोई डायरेक्टरी, अगर जीमेल वगैरह कुछ भी है आप उसको, आपको लेकिन AD से सिंक करना होगा, ताकि आपके पासवर्ड और सब कुछ एक जगह रह सके, राइट? आप फिर सिंक से क्या होगा, सिंक के लिए यूज करते हैं हम ADFS, Active Directory Federation Services, राइट? ADFS यूज करते हैं. तो आप जब अपना पासवर्ड चेंज करोगे, वो पासवर्ड दोनों जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आपका ऑथेंटिकेशन हो गया. जब आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, तो आप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाओगे, फिर आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, राइट? लाइफ साइकिल सर्विस और एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो. वर्चुअल मशीन्स की हमने बात कर ली, सारे अंदर सर्वर्स हैं, सर्वर्स वर्चुअल मशीन्स हैं जिसपे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई है. डेटाबेस हमने बात करी थी, SQL सर्वर इनेबल्ड डेटाबेस है, राइट? बैकएंड में SQL सर्वर होता है, SQL सर्वर प्रोडक्शन पे Azure SQL सर्वर होता है, क्लाउड ऑफरिंग, राइट? और आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में SQL सर्वर इंस्टॉल होता है, ताकि आप SQL सर्वर में जाके देख सको, आप प्रोडक्शन के SQL सर्वर में नहीं जा सकते, राइट? SaaS पास पढ़ना अपने फ्री टाइम में, SaaS सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, पास PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, राइट? इन सब चीज़ों को पढ़ना, ताकि आपको पता रहे. Azure स्टोरेज यूज होती है, Azure DevOps, Azure DevOps इज व्हाट, बिल्ड्स के लिए, कोड रिपोजिटरी के लिए, राइट? सोर्स कंट्रोल के लिए वी यूज Azure DevOps. Git भी यूज कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज Azure DevOps आपके बिल्ड्स के लिए, आपकी कोड रिपोजिटरी के लिए. LCS क्या है? LCS इज ए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल. अगर आपको नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, राइट? आपके पास एक डेव बॉक्स है, हर डेवलपर को अपना डेव बॉक्स ये होता है,
अगर आपके पास एक डेव बॉक्स है और आपके पास अब दो और डेवलपर आ रहे हैं, उन दो के लिए आपको दो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने होंगे, तो वो आप कैसे करोगे? लाइफ साइकिल सर्विसेज को यूज करके. ओके, लेट्स गो फर्दर गाइज. वेयर इज माय माउस? ओके, आर्किटेक्चर में मैंने आपको पहले बात बता दिया, ये IaaS बेस्ड होता है, राइट? IaaS पे होस्ट होता है. वेब सर्विसेज के थ्रू, सर्विस एंड पॉइंट्स के थ्रू, और डेटा के थ्रू, रेस्टफुल सर्विसेज के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो और एप्लीकेशंस के साथ. एक्टिव डायरेक्टरी पे आपका आइडेंटिटी कंट्रोल होता है. मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप पॉज करके पढ़ के देख लेना, राइट? IDE कौन सा है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये नहीं कि आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, आप LCS के थ्रू, जो अभी मैंने टूल की बात कर रहा था, LCS, अब मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको, LCS के थ्रू आप अपना इन्वायरमेंट डिप्लॉय करते हो. जब आप अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डिप्लॉय करते हो, सारा कुछ, पूरा सिस्टम सेटअप आता है, SQL सर्वर इंस्टॉल्ड, कनेक्शंस क्रिएटेड, विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद ऑल द एडऑन्स नीडेड टू डू द डेवलपमेंट ऑन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस. Extend the applications, right? अब application कैसे extend करते हैं? हम X++ use करते हैं, और हमारा जो source होता है, जितना भी application का source code होता है, जो हमने code लिखा है, right? और metadata है, वो सारा system पे, file system पे save होता है, right? As XML files. तो हमारा model store का concept होता है, अभी हम आगे जाके देखेंगे model store का क्या concept होता है. तो हम बात कर रहे हैं, हमने मान लो कोई नई table बनाया, नया form बनाया, नई class लिखी, उसका code तो हम X++ में लिख रहे हैं या C# में लिख रहे हैं, बट वो सेव कैसे होता है? XML फाइल के रूप में, राइट? वो एक सिस्टम में फाइल, एक ड्राइव में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, स्पेसिफाइड पाथ पे जाके सेव हो जाता है, राइट? उस पे जाके आप जाके भी देख सकते हो कि कोड कैसा दिख रहा है XML में, राइट? और आपका कोड एक पर्टिकुलर मॉडल में स्टोर होता है. हम मॉडल के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मॉडल में स्टोर होता है, राइट? माइक, जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हो, DCERP जब इंस्टॉल, आप डेव बॉक्स क्रिएट करते हो, वनीला मॉडल्स के साथ आता है, जिसमें सेल्स ऑर्डर्स, आपका AR AP और सारे जो भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं, वो पहले से ही इंस्टॉल्ड आते हैं, आप जाके उनको देख सकते हो. जब आपको अपनी कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है, आप अपने कस्टम मॉडल पे करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स में नहीं, आप अपना मॉडल बनाते हो, उस मॉडल के अंदर आप अपनी मेटा डेटा क्रिएट करते हो, टेबल्स, क्लासेस, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हो, राइट? उसकी ये बात कर रहा है यहाँ पे. अब सिक्योरिटी का मैं बहुत जल्द बताऊंगा, अब बोर नहीं करूंगा मैं यहाँ पे. सिक्योरिटी क्या होती है? एंट्री पॉइंट से होती है. अभी हम देखेंगे, जब आप UI देखोगे, सारा UI पे आपको कहीं क्लिक करना होगा, राइट? किसी मेन्यू आइटम पे या किसी बटन पे, ताकि आपका फॉर्म ओपन हो जाए, कोई एक्शन हो जाए, कोई रिपोर्ट जनरेट हो जाए, इसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट्स. अगर आपको एप्लीकेशन का सिक्योर करना है, ऑथराइजेशन करना है, रोल बेस्ड या ड्यूटी या प्रिविलेज बेस्ड ऑथराइजेशन लगाना है, आप वो करते हो एंट्री पॉइंट को सिक्योर करके. अगर आपका एंट्री पॉइंट सिक्योर है, आपकी पूरी एप्लीकेशन सिक्योर है. क्योंकि हम कह रहे हैं, अगर बंदे को वो बटन ही नहीं दिखेगा, बंदे को वो मेन्यू आइटम ही नहीं दिखेगा कस्टमर को फॉर्म को ओपन करने के लिए, तो वो खोलेगा कैसे? खोल ही नहीं पाएगा, राइट? आप पोस्ट करके देख लेना, मैं बहुत जल्दी आगे जाऊंगा, क्योंकि हमने वैसे ही बहुत टाइम लगा दिया इन पे. आर्किटेक्चर हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन नीडेड थी, राइट? आप इसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ताकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किन टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, राइट? तो जैसे कि मैं बता रहा था, आर्किटेक्चर क्या है? आप कुछ मॉडल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन फाउंडेशन है, एप्लीकेशन सुइट है, ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, सोर्स कोड समेत आते हैं, राइट? ताकि आप एप्लीकेशन को, बेस एप्लीकेशन आपके पास ऑलरेडी हो, जब आपको उसको कस्टमाइज करना होता है, तब आप अपना कस्टम मॉडल बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्लीट है, राइट? ऐसे ही आप अपना किसी भी चीज़ का, कोई नया फंक्शनैलिटी, उसका मॉडल बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी टेबल्स या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? सो दो एप्लीकेशन लेवल है, लेवल के मॉडल्स हैं, याद रखना, प्लेटफॉर्म मॉडल्स, एप्लीकेशन मॉडल्स. एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी होती है, प्लेटफॉर्म में सिस्टम को जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, वो प्लेटफॉर्म मॉडल्स पे लगती हैं. डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? एक मेन डेटाबेस होता है, जहाँ पे हमारा सारा ट्रांजेक्शन एंड मास्टर डेटा स्टोर होता है. जहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर क्रिएट किया, वो कस्टमर किसी टेबल में होगा, वो टेबल इस डेटाबेस में होगी, इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल डेटाबेस या OLTP, राइट? या फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का डेटाबेस. सो इसमें हमारा
ट्रांजेक्शनल डेटा होता है, राइट. कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेस भी होते हैं जिसके हम बाद में बात कर सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल आप रिपोर्टिंग थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं, राइट, अपने रिपोर्टिंग के लिए पावर बीआई यूज़ करना चाहते हैं. पावर बीआई तो चलो चल जाता है, बट आप कोई भी पावर बीआई या कोई अदर थर्ड पार्टी एनालिटिकल टूल या थर्ड पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है. माइक्रो जो डायनेमिक्स 365 का डेटाबेस है उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हो जो आप रीड राइट फुल्ली क्रूड सपोर्टेड कॉपी होती है, उसको हम कहते हैं BYOD. अब एक BYOD इज ए एज्योर सीक्वल DB, बट इसका एक नया कॉन्सेप्ट आ गया डेटा लेक में, ठीक है. आप एक डेटा लेक में भी उसको स्टोर कर सकते हो और आपके जो अपडेट्स होते हैं वो रियल टाइम भी हो सकते हैं या पीरियोडिक बेसिस पे भी हो सकते हैं. इसका फायदा क्या होता है, आप रिपोर्टिंग अब इस पे ना करके इस डेटाबेस पे कर सकते हो, राइट. इंटीग्रेशन आप मेन डेटाबेस पे ना करके इस पे, तो मेन डेटाबेस पे लोड कम होता है, उससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं आता मेन डेटाबेस पे, राइट. ऐसे आप एनालिटिक्स के लिए आप रीड ओनली डेटा वेयर हाउस भी क्रिएट कर सकते हो. इसमें ये सब चीज़ें ही बता रहा है यहाँ पे, राइट. यहाँ हमारे सारे मॉडल्स हो गए, सर्विस स्टैक हो गया इसका, ये हमारा डेटाबेस हो गया मेन डेटाबेस. आप रीड ओनली सेकेंडरी डेटाबेसिस बना सकते हो, हमारी डेटा एक्सेस लेयर होगी, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक सिक्योरिटी हो गई, कैशे होता है आपका बैच, कुछ आपको प्रोसेसेस को बैच में पीरियडिकली रन करना है उसके लिए होता है, आपके वर्क फ्लोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. UI इंटरफेस है WCF रिलेटेड, आप ओडेटा एंड पॉइंट्स बना सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बस एक बार याद कर लो क्या है. मेन चीज़ अभी हम देखेंगे जब अंदर जाएंगे, राइट. ये है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको बोला था वी यूज़ विजुअल स्टूडियो, राइट. विजुअल स्टूडियो आप यूज़ करते हो एप्लीकेशन में कुछ भी न्यू चीज़ बनाने के लिए या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, राइट. आप जैसे .NET के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप अपने X++ के प्रोजेक्ट्स बनाते हो जिसमें X++ का कोड एडिटर होता है, डिज़ाइनर होता है, आपका एप्लीकेशन एक्सप्लोरर होता है, फुल्ली आपको डेवलपमेंट सपोर्ट देने के लिए, राइट. आपकी क्लाउड इंस्टेंस होता है जहां आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, राइट. अगर आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो आपके लोकल IIS या IIS एक्सप्रेस पे चलता है, अगर आपका प्रोडक्शन है तो वो हिडन है, माइक्रोसॉफ्ट जहां भी रन कर रहा है उसको रन कर रहा है, राइट. मैंने बताया था सारा कोड मॉडल में फाइल सिस्टम पे स्टोर होता है, आपने एक क्लास बनाई एज एन XML फाइल सिस्टम पे सेव होती है. जब आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू देखते हो आपको अपना C# X++ का कोड नजर आ रहा होता है, बट बैकएंड में इट इज सेव्ड एज एन XML फाइल ऑन ए फाइल सिस्टम. सो मॉडल स्टोर का कॉन्सेप्ट होता है, जब आप इसको कंपाइल करते हो तो उसकी बाइंड्रीज बनती हैं, आप बाइंड्रीज को अपने मॉडल स्टोर किए, आप थर्ड पार्टी सॉल्यूशन के मॉडल्स की बाइंड्रीज बना सकते हो, उनको एक साथ पैकेज बना के, राइट. जैसे .NET या उसमें बिल्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है, राइट. EXE जनरेट हो जाती है, DLLs जनरेट हो जाती है जो आप डिप्लॉय कर सकते हो. सेम इसमें होता है, DLLs जनरेट होती हैं आपके कस्टम कोड की या थर्ड पार्टी कोड की, जिसको कि आप अपने टेस्ट इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन में UAT में देन डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है. ये हमारा बिजनेस डेटाबेस हो गया, ये कुछ इंटरनल सर्विसेज हो गई. एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सर्वर इज योर वेब होस्ट, राइट, जिसपे हमारी एप्लीकेशन रन होती है जो कि IIS पे होस्टेड होता है. एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सर्वर AOS, राइट, AOS. बैच मैनेजर सर्विसेज, राइट, जो आपकी बैच जॉब्स को स्केड्यूल्ड जॉब्स को रन करती है. स्टोरेज सर्विस हो गई, मैंने VSTS, अब नाम चेंज हो गया इसका, थोड़ी पुरानी स्लाइड है, अब VSTS नहीं बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट Azure, राइट, सॉरी Azure DevOps, राइट. दिस थिंग इज कॉल्ड Azure DevOps, जिसको यूज करके हम सोर्स कंट्रोल करते हैं. ये हमारी कोड रिपोजिटरी होती है, राइट. जब आप डेवलपमेंट करते हो आपको कोड चेक इन करते हो, कोड चेक इन होता है Azure DevOps में, फिर वहाँ से बिल्ड सर्वर वो सारा कोड लेके उसकी बिल्ड बना के पैकेज बना के आपको DLL दे देता है. जो आप LCS के थ्रू लाइफ साइकिल, जिससे हमने LCS के थ्रू इन्वायरमेंट बनाया था, बिल्ड्स भी डिप्लॉय उसी के थ्रू होती है, राइट. हर एक डेवलपर को, अगर हमारी टीम में 5 डेवलपर हैं तो हमें 5 डेवलपमेंट मशीन चाहिए होंगी. व्हेन आई एम सेइंग डेवलपमेंट मशीन, मैं 5 लैपटॉप्स की या 5 फिजिकल सर्वर्स की बात नहीं कर रहा, मैं वर्चुअल मशीन्स की, अपने क्लाउड एनवायरनमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में. फिर आप डिप्लॉयबल पैकेजेस मैंने आपको बता दिया है. अब वेरी क्विकली आई एम गोइंग, दिस इज आई थिंक लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे. फाइनेंस ऑपरेशन में ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है. ऑथेंटिकेशन यू अभी तक आपको पता चल गया होगा, ये AAD पे, Azure Active Directory पे चलती है, राइट, जिसमें हमारे यूज़र प्रोफाइल्स स्टोर होती हैं. ऑथराइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था एंड पॉइंट, अभी मैं आपको लिंक सिखाऊंगा कि किस क्या मेरा क्या मतलब था एंड पॉइंट्स का, या सॉरी नॉट एंड पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स का.
एंट्री पॉइंट्स बेस्ड सिक्योरिटी अप्लाई होती है, राइट, ऑथराइजेशन होता है। अगर हमने अपने एंट्री पॉइंट को सिक्योर कर लिया, मीन्स हम उसके अंडरलाइंग डेटा सोर्स को, फॉर्म्स को भी सिक्योर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, ऑथेंटिकेशन इज ऑन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जहाँ पे हमारा यूजर्स ऑथेंटिकेट होते हैं यूजर आईडी पासवर्ड से। ऑथराइजेशन इज रोल बेस्ड, राइट, रोल्स हैं, रोल्स के अंदर में ड्यूटीज होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, जो हम अपने यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स, बटन्स होते हैं आपके, मेन्यू आइटम्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, जिसको हम सिक्योर करते हैं। अंडरलाइंग टेबल्स और फील्ड्स भी सिक्योर हो जाती हैं, SSRS रिपोर्ट, सर्विस ऑपरेशन, ये सब कुछ इसी के थ्रू सिक्योर होता है आपके एंट्री पॉइंट के थ्रू। कैसे होता है देखेंगे अभी, ठीक है। अब हमने कुछ, एक डेटा सिक्योरिटी भी होती है। डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर मास्टर है, कस्टमर मास्टर में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 600 आर होलसेल कस्टमर्स, 400 आर रिटेल कस्टमर्स, राइट। रिक्वायरमेंट आ सकती है कि एज ए यूजर, मैं अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे को मैं रिटेल कस्टमर्स हैंडल करता हूँ, तो मुझे केवल रिटेल के कस्टमर्स दिखें, राइट, उसी के सेल्स ऑर्डर्स दिखें, मेरे को एप्लीकेशन में और कुछ ना दिखे। तो वो सारा हम कुछ करते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी या XDS फ्रेमवर्क से। ओके, ऑडिटिंग हो गया, यूजर लॉक्स वगैरह बनाने के लिए, फिर हमारा डेटाबेस है, राइट। मेन पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है, हम अब एंटर करने जा रहे हैं डेवलपमेंट में, राइट। इसके बाद के जितने भी सेशंस होंगे, मैंने जितनी भी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट आपको हाई लेवल पे बताने थे बता दिए, अब इसके बाद के जितने भी सेशंस होंगे, दे विल बी ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ द डेवलपमेंट हैपन्स इन फिनेंस एंड ऑपरेशंस, राइट। सो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं हम, ठीक है। और जब आप विजुअल स्टूडियो, आप लोकल नहीं, आप क्लाउड बेस्ड विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हो, जो आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आता है, और उसके साथ आते हैं उसके मेन्यू आइटम, एड ऑन आता है डायनेमिक्स 365 का, जिसके अंदर ये मेन्यू होता है, एक एप्लीकेशन AOT होता है, एप्लीकेशन एक्सप्लोरर होता है। AOT इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्री, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्री, राइट, नाम याद रखना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्री, लाइक नेम सेज, इट कंटेन्स ऑल द आर्टिफैक्ट्स, ऑल द मेटा डेटा दैट वी नीड इन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रिएटिंग टेबल्स, यू विल क्रिएट टेबल्स अंडर डेटा मॉडल, राइट, यू वॉन्ट टू राइट सम बिजनेस लॉजिक, वॉन्ट टू क्रिएट सम क्लासेज, यू विल क्रिएट इट अंडर कोड, राइट। यूजर इंटरफेस कंटेन्स यूर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट contains your SSRS reports and things like that, right? Now, let's go to the environment. So, LCS, right? I was talking about the life cycle services. Yeah, ek hamara development environment hai, ye uska environment ka name hai. Kis data center mein deployed hai? Ye deployed hai सेंट्रल इंडिया में, राइट। अगर आपने यूएस में डिप्लॉय किया होगा तो यूएस में डिप्लॉय हो जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कस्टमर मैनेज्ड है, ये जो आप जिस कंपनी के लिए आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो उसके एज्योर सब्सक्रिप्शन में इंप्लीमेंटेड है। अब मैं आपको रियल क्विक एक चीज़ बता दूँ, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम होता है, राइट। अगर मेरी कंपनी है, मान लो रिलैक्सो है, राइट, रिलैक्सो इज ए फुटवेयर कंपनी, अब मान लो रिलैक्सो को डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है और रिलैक्सो के पास 100 यूजर्स हैं, तो रिलैक्सो को 100 यूजर्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा डायनेमिक्स 365 का, राइट। और वो डिपेंड करता है आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, किस लेवल के यूजर्स हैं, आपको कितने सर्वर्स चाहिए। माइक्रो प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगा, एक प्रोडक्शन, एक UAT, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट से और कितने सर्वर्स ले रहे हो, और ठीक है इन्वायरमेंट्स ले रहे हो, आपको प्रोडक्शन चाहिए होगा, आपको UAT चाहिए होगा, टेस्ट चाहिए होगा, और भी इन्वायरमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स व्हाट दे डू, दे परचेज प्रोडक्शन ऑब्वियसली एंड वन UAT फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट कम्स विद द लाइसेंस एंड अदर इन्वायरमेंट्स लाइक बिल्ड सर्वर, योर डेवलपमेंट सर्वर्स, टेस्ट सर्वर्स, योर डेटा माइग्रेशन सर्वर्स, they host it on their own Azure subscription so that they can manage the cost, right? फिर इसमें उनको licensing cost नहीं देनी होती, right? Licensing देनी है managed environments में जो उन्होंने license pay किया जिसका, right? जो हर month या हर every year subscription cost देनी है, इसके लिए हर महीने उनका जो भी Microsoft से contract होगा अपने Azure subscription में, ये सारा environments, development, test वगैरह उसमें host हो सकते हैं। तो ये हमारा उस तरीके का एक customer managed environment है, ठीक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड होता तो यहाँ लिखा होता माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड। अब अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होता है प्रोडक्शन या आप और किसी माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड इन्वायरमेंट में, आप डायरेक्ट रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते सर्वर पे, राइट, मैंने बताया था सारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं। तो इस केस में हमारे डेवलपमेंट बॉक्स की ये वर्चुअल मशीन है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा RDP रिमोट एप्लीकेशन शॉर्टकट डाउनलोड हो जाएगा, जिसको क्लिक करके मैं एप्लीकेशन के अंदर जा सकता हूँ, राइट, वो भी करके दिखाऊंगा मैं भी आपको। ये उसका यूजर आईडी, उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, अब हम ये तो हो गया, हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, हमारा यूजर इंटरफेस कैसे दिखता है, राइट।
हाँ, पता है मेरे को, वीडियो अचानक बंद कर दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। इससे आगे का हम यूआई का, विजुअल स्टूडियो का और डेटाबेस का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए एंड टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर गाइस।